बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूट्यूब चैनल पयाम सेहत पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज मैं आपको कुश्ता हड़ताल वर्की, ये जो है हड़ताल वर्की, ये आप देख रहे हैं, ये हड़ताल वर्की है, ये मेरे पास आला किस्म की हड़ताल वर्की है। हड़ताल वर्की सफेद का कुश्ता बनाने की तरकीब बताता हूँ। उम्मीद काफ़ी है आप पसंद करेंगे, शुक्रिया। तो ये कुश्ता दम्मा, खांसी और ज़ोफ़ बाहा, यानी मर्दाना ताकत की कमज़ोरी में ये काम आता है, और पुराने बुखारों में, पुराने बुखारों के लिए ये कुश्ता अक्सीर का हुक्म रखता है। तो अवल आप हड़ताल भर की पोटली बांध कर जंगली गोभी के रस आध शेर में लटका कर पकाएं, यानी डोल जंतर जैसे करते हैं, जंगली गोभी के पानी में आध शेर पानी हो उसमें लटका कर पकाएं। जब पानी खुश्क हो तो निकाल लें, मगर लटकाएं इस तरह के ये बर्तन के नीचे न लगे, बर्तन के पैंदे में, यानी कुछ ऊपर रहे। जब पानी खुश्क हो तो निकाल लें। फिर हड़ताल तबकी को, यानी हड़ताल वर्की को, धतूरा के डोडा के नुकदा एक पाव में रख कर दिल हिकमत करके पांच शेर ओपनों की महफूज उल हवा आग दें। तो उसके बाद, यानी धतूरा के डोडा जो है उनका नुकदा बनाए एक पाव, उसमें प्यालों में बंद करके या किसी बर्तन में बंद करके महफूज उल हवा, यानी हवा न लगे, पांच शेर ओपलों की आग दें। ये बरंग आसमानी संढ कुश्ता होगा, ये आसमानी रंग का संढ कुश्ता होगा, और फिर आपने इस तरह करना है, फिर इस कुश्ता को एक पाव जंगली गोभी के नुकदा में, माफ कीजिएगा, एक पाव जंगली गोभी के नुकदा में गिल हिकमत करें और 15 शेर मेंगनी बकरी की आग दें। ये कुश्ता सफेद बराक होगा, जो कि दमा, खांसी और ज़ोफ़े बाह के लिए मुफीद है। तो और दूसरा कुश्ता शंगरफ एक तोला, शीर मदार दो तोला, शंगरफ एक तोला, शीर मदार दो तोला, पोस्त दरख्त जामन 20 तोला, शंगरफ एक तोला, शीर मदार 20 तोला और पोस्त दरख्त जामन 20 तोला। पोस्त दरख्त जामन को शीर मदार में घोट कर नुकदा बना लें और शंगरफ की डली दरमियान में मनफूफ करके अच्छी तरह गिल हिकमत करके खुश्क करें। खुश्क करने के बाद 8 शेर ओपलों की महफूज उल हवा आग दें। कुश्ता सफेद बावजन बरामद होगा, ये कुश्ता सफेद और बावजन होगा। निसफ रत्ती सुबह और शाम बलगमी खांसी शुगर, यानी ज़ियाबीतस और मुकवी बाह है,
शुगर के लिए ये मुफीद है और कभी बाह भी है। तो ये दो नुस्खे मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, हो सकता है कोई भाई इससे फ़ायदा उठा ले, आपको भी सवाब होगा और मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का भी मकसद पूरा हो गया। तो अगली वीडियो तक आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।